अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल के देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल के देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल के देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है। इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल के देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी।